हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से ग्राम प्रधान आवास इज्जत घर के नाम पर धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। 2,000, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए जो जिससे हो रहा है आवास के नाम पर धन उगाही की जा रही है। आखिर ये क्यों? ग्राम प्रधान आजकल इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि गरीब जनता बिल्कुल त्राही त्राही कर रही, अपने उस अधिकार के लिए जनता भटक रही है जो उसका मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? कब प्रशासन प्रधानों के ऊपर नकेल कसेगी? ये हम आपको दिखा रहे हैं आसिफ खान हमारे रिपोर्टर द्वारा कवर किया गया एक्सक्लूसिव वीडियो और किस तरीके से ग्रामीण वासी अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी कि आज के युग में ऐसा भी होता है। आवास मिलने के बाद 20,000 रुपए कहीं लिए जाते हैं ग्राम प्रधान, लेकिन यहाँ आवास के नाम पर देने से पहले उनसे धन उगाही का कार्य किया जा रहा है। ये आप अपनी आंखों से देखिए और उस वीडियो से रूबरू होइए जो हकीकत ग्राउंड लेवल की पड़ताल और सच की पड़ताल सिमरा दर्पण न्यूज दिखाता है। ये बर्जी ग्राम सभा है ना? हाँ। हाँ। तो ये बर्जी ग्राम सभा के लोग जो है महिलाएं खासतौर से या पुरुष जो है ये सड़क पे शौच करने जाते हैं, खुले में शौच करते हैं। तो कुछ लोगों का कंप्लेन है कि सड़क पे गंदगी रहती है। तो ठीक है, आप लोगों को शौचालय सबको मिला है? घर घर शौचालय है? सब मतलब सबको नहीं है, इसलिए आप लोग मजबूरी में जाते हैं। कहाँ जाए जाए अच्छा आप सबको घर घर शौचालय नहीं बना है, है? कुछ लोगों को बना है, कुछ लोगों और शेष लोगों को शौचालय नहीं बना है, इसके लिए आप सब जाते हैं। लेकिन खुले में शौच करना तो गलत है ना? तो आप लोग प्रधान जी से कहते नहीं कि शौचालय के लिए के बारे में कि हम लोग खुले में जाते हैं तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ होता नहीं है? प्रधान कहते हैं पाओगे तो दूसरा चुनाव तो आने वाला है, तो 5 साल तो निकल गया, तो अब क्या पाओगे? अब तो दूसरा प्रधान आएगा और कहेगा फिर तो दूसरा प्रधान आएगा वो भी कहेगा, वो भी कहेगा मिलेगा मिलेगा, फिर 5 साल चला जाएगा उसका भी, वो भी कहेगा मिलेगा मिलेगा, 5 साल चला जाएगा उसका, दूसरा आएगा। प्रधानी तो जाने वाली है, वो रोज कह रहा है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हाँ मिलेगा मिलेगा बोल रहा है। तो अब तो चुनाव दूसरा आने वाला है, फिर दूसरा प्रधान आएगा, फिर कहेगा अच्छा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, फिर 5 साल जाएगा दूसरा फिर आएगा। अच्छा मतलब कि ये समस्या है गांव वालों की, लेकिन और लोगों की शिकायत रहती है कि भाई खुले में शौच होता है गंदगी होती है ना, इससे बीमारी फैलती है ना, तो यहाँ पानी का निकासी बरसात में नहीं है? अच्छा ये बरसात होता है तो ये गांव में पानी भराता है, पानी निकासी का कुछ नहीं है। और जो कच्चा मकान वाले गरीब लोग हैं सबको कॉलोनी मिली है? नहीं, सबको मिली है? ये आवास वगैरह नहीं मिला है? अच्छा ये पंचायत में कुछ नहीं मिला है? हाँ तो देखिए ये बर्जी ग्राम सभा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ना हमको यहाँ पे कॉलोनी मिली है और शौचालय भी कुछ लोगों को ही है बाकी लोगों को नहीं है। तो ये बहनें कह रही हैं कि हम लोग मजबूरी में जाते हैं, लोग गाली गलौज भी करते हैं और हम लोगों को इसके लिए खाली मजबूरी बस हम लोग शौच करने जाते हैं। तो ये बातें मीडिया के माध्यम से एक कलेक्टर तक पहुंचनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि तुरंत ना कुछ मिला कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों की समस्या दूर होनी चाहिए है? तो हाँ आप इस गांव के हैं? हाँ, के यही है। तो आपका नाम क्या है? फूलचंद। फूलचंद फूलचंद बिंद है ये? ये भी कह रहे हैं हमको कुछ भी नहीं मिला है, है? इसी गांव के हैं। तो क्यों नहीं मिला, कोई कारण क्या कारण इसका है? प्रधान की आपसे कोई बात हुई नहीं हुई? कुछ बातें नहीं हुई, कहते हैं मिलेगा मिलेगा, कॉलोनी मिलेगा या मिलेगा, कुछ मिले ही नहीं। कब मिलेगा? जब प्रधान खत्म हो जाएगी तब?
दस साल उनका प्रधान करत हो गया। क्या वो दस साल से प्रधान है? प्रधान है। हाँ, इसके लिए कुछ ना मिलत खड़ंजिया। आप लोग जरा अपनी अपनी समस्या को कहिए। बताओ के खंजा ना लगवा अपने गांव में लगवा नहीं? कहाँ लागू? बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं, नाली वगैरह कुछ ना। प्रधान जी कुछ नहीं करवाया आपका? कुछ ना, यार कुछ ना। आते ही नहीं आते गांव में? दिखाई दे हैं वहाँ, यार कुछ ना। इतना पानी लग गया तो यही रोड पे रह के चल जाते हैं। यार यार कॉलोनी है ना, संदस ये कुछ पानी भर जाते।